नमस्कार, मैं भवानी झा और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। देश भर में कोरोना अपना कहर जमकर बरपा रहा है और महाराष्ट्र अपनी जगह प्रथम श्रेणी पर बनाए रखा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश भी जुड़ गया है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सके और हमें उससे निजात मिल सके। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस कर्मियों की बर्बरता देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स को भरे बाजार में लात घूसों से पीटा गया और उस शख्स की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने मास्क नहीं पहना था। मास्क ना पहनने पर जुर्माना लिए जाने का हमने सुना है, लेकिन बीच बाजार में सभी के सामने पीटे जाने की बर्बरता इंदौर से सामने आई है। एक झलक आप देखिए इस तस्वीर के जरिए कि किस तरह वो शख्स चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, और बगल में खड़े बच्चा जो वो ऑटो वाले का बच्चा था वो भी गुहार लगा रहा था पुलिस कर्मियों से कि प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, लेकिन पुलिस कर्मियों को बच्चे पर भी दया नहीं आई। एक झलक देखिए आप इस वीडियो की, फिर हम आपको इस खबर की पुष्टि करते तो इस तस्वीर में जिस तरह देखा जा रहा है कि इंदौर के बीच सड़क पर किस तरह एक शख्स को पीटे जा रहा है और वो शख्स मदद की गुहार लगाए जा रहा है, बगल में खड़ा बच्चा जो कि उस शख्स का बेटा है वो भी पुलिस कर्मियों से गुहार लगा रहा है कि मेरे पिता को छोड़ दो, लेकिन पुलिस कर्मियों को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही और इस बीच भीड़ तमाशा बन देख रही है। मध्य प्रदेश के एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि ये बर्बरता है। ये पुलिस के जवान इंदौर के थाना परदेशीपुरा के बताए जा रहे हैं। इस व्यक्ति का दोष ये बताया जा रहा है कि इसने मास्क नहीं पहना था। मास्क नहीं पहनने पर चालान का तो नियम है, लेकिन पिटाई का हक किसने दिया? इन दोषी जवानों पर कार्रवाई हो, ऐसी गुहार भी नरेंद्र सालूजा ने अपने ट्विटर हैंडल से की है। आपको बता दें कि मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाने के मालवा मिल मुक्ति धाम के सामने का है, जहां पे कृष्णा नाम के एक ऑटो चालक को मास्क ना पहनने के जुर्म में सिपाही धर्मेंद्र जाट और कमल प्रजापत ने जमकर पीटा। सड़क के बीचों बीच ऑटो चालक की पिटाई होती रही, उसका छोटा बेटा खड़ा होता रोता रहा और लोग अपनी गाड़ी रोक कर तमाशा देखते रहे। भीड़ बनकर तमाशा बन गए। गनीमत ये रही कि कुछ महिलाओं ने आकर बीच बचाव किया, लेकिन सिपाहियों का इसका भी ख्याल नहीं कि वो महिलाएं हैं, उन्हें भी उन्होंने धक्का दे दिया। महिलाओं ने ऑटो चालक को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिसकर्मी अपने ही धुन में थे, उन्होंने उसे इस तरह पीटा कि शख्स के कपड़े तक फट गए। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी आशुतोष बागरी ने गोपाल जाट और महेश प्रजापति को सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाता है और हिदायतें देती जाती है, लेकिन इस तरह की बर्बरता की तस्वीर मध्य प्रदेश से आई है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का राज है। और पुलिस कर्मी जो कि कोरोना वॉरियर्स के स्थान में आते हैं, कोरोना वॉरियर्स के लिस्ट में उन्हें जोड़ा गया है, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनमानस का रक्षा करेगा कौन, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोरोना और कोरोना से जुड़ी सभी खबरों पर रहेगी हमारी नज़र। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि भवानी झा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।